हे गाइस, व्हाट्स अप। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कौन कौन से मोस्ट एमर्जिंग फील्ड है जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए है। अमेजिंग होगा, स्टेबल होगा और काफ़ी अच्छा ग्रोथ मिलेगा आपके फ्यूचर में, तो उसकी हम बात करेंगे, राइट। तो यहाँ पर मेरा मकसद क्या है, आपको मैक्सिमम मैक्सिमम बेनिफिट्स दिलाना ताकि आप अच्छे फील्ड को चूज करें एंड आप अच्छा करियर ग्रोथ पाओ। तो ये एमर्जिंग तो है पहला, लेकिन साथ में अच्छा खासा वैकेंसीज रहेगा या आने वाला है भी और बढ़ेगा, मैं उसकी बात करूँगा। कुछ फील्ड क्या होते हैं, अच्छे होते हैं, नो डाउट, बट प्रॉब्लम क्या कुछ फील्ड में क्या होता है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कम होते हैं। जस्ट लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फील्ड अच्छा है, पैसा अच्छा कमाएगा लोग, लेकिन जॉब्स बहुत कम है, क्या करूंगा उसको लेके, दिक्कत आता है। फिर हमारे जैसे एवरेज लोगों के लिए है नहीं वो, मैं हम बात करते हैं एवरेज, जैसे एवरेज बंदे कैसे आगे बढ़ेंगे, मैं उसकी बात करता हूँ। तो यहाँ पर आइए, पहला फील्ड मैं बताऊंगा आपका ईवी सेक्टर। ये ऑटोमोबाइल का पार्ट है, बट पहले इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का नीड था इसमें, ऐसा नहीं कि नीड नहीं था, नीड था, लेकिन पहले अगर 5% नीड था, अभी नीड है 35% के आसपास। बिकॉज मेजोरिटी केसेस जो ऑटोमोबाइल अभी शिफ्ट हो रहे हैं ईवी में शिफ्ट हो रहे हैं, इंडिया का एक इंटरेस्ट भी है, पर्सनल इंटरेस्ट भी इस चीज में है और फायदा भी है लोगों को। गांव में मेरे जो बंदे हैं अभी सारे के सारे 2 व्हीलर ईवी खरीद रहे हैं। दो रीजन है, पेट्रोल महंगा है, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी बहुत सस्ता है, गांव में कुछ खर्चा लगभग आता ही नहीं है, कुछ जगह पर फिक्स इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आता है, वो तो और खर्चा कम, पैसा लगेगा ही नहीं, फ्री में चलाओ एक बार, बस इन्वेस्टमेंट है। तो जैसे जैसे इसका डिमांड बढ़ रहा है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का कॉस्ट है वो घटेगा। घटेगा मतलब डिमांड बढ़ा, जैसे एलईडी के साथ हुआ है, डिमांड बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटेगा, तो और लोग खरीदेंगे, तो फायदा किसको मिलेगा, फायदा मिलेगा भैया जो इस फील्ड में एंटर कर रहे हैं। तो इसका ग्रोथ अभी 10 साल तक एब्रप्टली होगा, देखेंगे हर साल 15, 20, 30, 40, 50, 60, 100% ज्यादा भी होगा। मैं बताऊंगा, एक वीडियो बना के दूंगा ईवी सेक्टर पूरा पूरा कंप्लीट नोटिफिकेशन बताऊंगा, तो उसमें आपको जानकारी मिलेगा। तो पहले ये ऑटोमोबाइल सेक्टर हम मानते थे मैकेनिकल ऑटोमोबाइल फील्ड के बंदों के लिए, लेकिन अभी क्या है, इलेक्ट्रिकल बंदे भी इसमें आके बहुत अच्छा इसको पा सकते हैं। सेकेंड हम बात करेंगे, इसमें आपका हो गया होम अप्लायंसेस। होम अप्लायंसेस में भी काफी अच्छा इसका ग्रोथ है, बिकॉज लोग खरीदेंगे, पैसे लोगों का बढ़ रहा है, इनकम, इंडिया एक इमर्जिंग मार्केट है, लोगों का इनकम बढ़ रहा है तो लोग खरीदेंगे। नेक्स्ट क्या है, पावर सिस्टम, जितने भी पावर सिस्टम से रिलेटेड हैं, मशीन से रिलेटेड हैं, इसमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। डिज़ाइन अच्छा, इसमें मैं डिपार्टमेंट नहीं ले रहा हूँ, मैं फील्ड की बात कर रहा हूँ। हर डिपार्टमेंट में मेंटेनेंस होगा, क्वालिटी होगा, परचेज होगा, सेल्स होगा, मेन आपका उसके बाद R&D होगा, प्रोडक्शन होगा, राइट। ये सारे डिपार्टमेंट तो हर में मिलेगा, उसका ट्रेनिंग डिपार्टमेंट भी होता है हर हर कंपनी में, जो नए बंदे आ रहे हैं उसको ट्रेनिंग देने के लिए। बट इसमें जो बता रहा हूँ सिर्फ फील्ड की बात कर रहा हूँ, एमर्जिंग फील्ड की बात कर रहा हूँ, राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हो गया पावर सिस्टम, मशीन हो गया, होम अप्लायंसेस हो गया, ईवी सेक्टर हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनर्जी, जितना भी सेक्टर है, रिन्यूअल एनर्जी सेक्टर जितना भी है, उसमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ आपको मिल सकता है, खास करके एनर्जी सेक्टर में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काफ़ी अच्छा आपको मिलेगा, R&D डिपार्टमेंट में काफ़ी अच्छा ग्रोथ मिलेगा। R&D में वैकेंसीज कम होते हैं, बट जो एंटर कर जाता है उसका लाइफ सेट हो जाता है लगभग ऐसे फील्ड में, ठीक है। नेक्स्ट सबसे और एक बेहतर फील्ड वो क्या है, ऑटोमेशन। ये ऑटोमेशन जो है ना, ऑटोमेशन काफ़ी शानदार है, इसमें PLC, स्काडा और भी हैं, ये सारे लोग सीखते हैं और इसका डिमांड बहुत अच्छा खासा है। तो मेरा जो एनालिसिस अब तक है, ये जो 5 फील्ड है इनमें से कोई एक चूज करो बढ़िया होगा, लेकिन मेरा टॉप चॉइस 2 है यहाँ पर, एक ईवी वाला और एक आपका ऑटोमेशन। ईवी का जो ग्रोथ है ऑटोमेशन से भी ज़्यादा है, बिकॉज ये अभी बहुत ज़्यादा इमर्जिंग फील्ड है और बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, फ़ायदा उस बात का है।
तो भाई मैं आपको बता दूं, ईवी सेक्टर में एंटर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सब में एंटर करने के लिए एक ही प्रोसेस है भाई, पढ़ाई करो। एक तो हो गया आपका कैंपस प्लेसमेंट, कॉलेज में कंपनीज आना बहुत मुश्किल है, ठीक है। इस बात तो कैंपस प्लेसमेंट आईआईटी में डाउन है, 15-30% डाउन हो गया है आईआईटीज में, बट मेजरली आईआईटी सेक्टर में। आईआईटी सेक्टर तो है नहीं, इसमें ज़्यादा कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो कैंपस प्लेसमेंट एक हो गया, दूसरा क्या हो गया, पढ़ाई करो। पढ़ाई क्या करेंगे, सबसे बेस्ट है एमटेक। अगर टेक्निकल फील्ड में जाना है बेस्ट है एमटेक। तो एमटेक अच्छे कॉलेज में आईआईटीज में एनआईटीज में करने के लिए पहला क्राइटेरिया क्या है, गेट। लेकिन एक जरिया है, एनआईटी नागपुर से आप एमटेक कर सकते हैं हाइब्रिड मोड में, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। तो वो क्या है, आपका बिना गेट का हो सकता है। वो कैसे होगा मैं आपको बताऊं, चलिए जानते हैं उसके बारे में। सो अगर आपको ईवी सेक्टर में एमटेक करना होता है, इन जनरल अगर एनआईटी से करेंगे तो गेट चाहिए होता है। बट इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, बिना गेट करोगे सर्टिफिकेट मिलेगा एनआईटी नागपुर से। बेसिकली कोर्स ऑफर किया जा रहा है ईवी एक कैट के कोलाबोरेशन के साथ, और मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ इन्हीं के कोलाबोरेशन से। तो इनका जो नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है 8 जनवरी को स्टार्ट हो रहा है, और 2 साल का एक कोर्स होगा, हाइब्रिड लर्निंग होगा, एनआईटी का डिग्री मिलेगा, कैरियर सपोर्ट मिलेगा आफ्टर फर्स्ट ईयर। 1 साल पढ़ाई कर लिया, कैरियर सपोर्ट आपको मिलेगा, एंड दैट इज ग्रेट, राइट। और इससे बेहतर कुछ अपॉर्चुनिटी आपको मिल नहीं सकता है, और इसके साथ कुछ फायदा और मिलेंगे जो मैं आपको दिखा दूंगा, जो आपको हेल्प करेगा। सो चलिए जानते हैं इस कोर्स से कुछ की फीचर्स के बारे में। तो आपके पास पहला क्या है, अप्लाइड लर्निंग है। अप्लाइड लर्निंग मतलब क्या होता है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। नेक्स्ट हाइब्रिड लर्निंग, ऑनलाइन होगा एंड ऑफलाइन दोनों होगा। कैंपस के लैब्स में जाके प्रोजेक्ट करने का आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। हैंड्स ऑन लैब्स मतलब क्या है, जो भी आपको बताया कि लैब्स में जाके काम करेंगे सीखेंगे, कोर फील्ड में बिना लैब्स का कुछ खास मिलता नहीं है, तो लैब्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ईवी एक्सपर्ट से आप पढ़ेंगे, इसमें एनआईटी के फैकल्टीज भी होंगे और जो ईवी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं वो भी फैकल्टीज होंगे। करिकुलम जो होगा वो होगा इंडस्ट्री से रिलेटेड, मतलब इंडस्ट्री में जो चल रहा है वो करिकुलम आप पढ़ाई करेंगे। प्लेसमेंट ड्राइव का मौका मिलेगा आपको, विच इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर एनी कोर्स। नेक्स्ट एनआईटी से डिग्री मिलेगा, एनआईटी का एलुमनाई स्टेटस मिलेगा, और एक बात क्या, इंटर्नशिप। ये बहुत ज़्यादा बोल सकते हो इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बोल सकते हो डिफरेंट है बाकी कोई कोर्स से। जब आपका एडमिशन होगा हर ग्रुप में से कुछ स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी मिलेगा फुल टाइम इंटर्नशिप के लिए ड्यूरिंग एडमिशन इट्सेल्फ। सबको नहीं मिलेगा डेफिनेटली, बट कुछ बच्चों को मिलेगा हर ग्रुप में, ठीक है। तो ये अपॉर्चुनिटी आपके टेबल पर है। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है, डेडिकेटेड करियर सपोर्ट, करियर कोचिंग एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन का गाइडेंस आपको मिलेगा। नेक्स्ट एक्सेस टू जॉब अपॉर्चुनिटीज, जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके पास होना चाहिए उसको आपको एक उसका एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा कि हाँ कहाँ कहाँ जॉब्स है उसका अपॉर्चुनिटी मिलेगा। सो लास्ट हमारे पास क्या है, डेडिकेटेड करियर सपोर्ट। इसमें 2 चीजें हैं, एक्सेस टू जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड दूसरा क्या है, करियर कोचिंग एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन। सो दीज 2 आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो भाई देर की इस बात की, अगर आपको इंटरेस्ट है ईवी टेक्नोलॉजी में तो आप ट्राई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक है, जाइए अप्लाई करिए एंड एक अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करने का आप कोशिश कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एमर्जिंग जितने फील्ड है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो ईवी के बारे में तो काफ़ी अच्छा स्कोप आपको बताया मैंने, इसका और एक वीडियो बनाऊंगा डिटेल में जैसे आपको बताया। लेकिन आगे बढ़ते हैं कि होम अप्लायंसेस में हम किस फील्ड में जाएं ताकि अपन को बहुत अच्छा स्कोप मिले। देखो यार, होम अप्लायंसेस का जो डिमांड है ग्रोथ कर रहा है। होम अप्लायंसेस में सब कुछ आता है, ये लाइट आता है, पंखा आता है, फ्रीज में भी आपका काम आता है, टीवी में भी काम आता है आपका, हर जगह पर आपका नीड है। तो हम होम अप्लायंसेस में अगर देखो, ऐसे आपको ठीक ठाक अच्छा सैलरी चाहिए तो किसी में जाओ, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर डिमांडिंग फील्ड में जाना है तो आप एलईडी सेक्टर में जा सकते हो, काफ़ी अच्छा डिमांड है। आप होम अप्लायंसेस में हालांकि एक प्रोडक्ट कोई कंपनी बनाती नहीं है,
नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो आपको वहां पर मूव कराते रहेंगे। तो आप जैसे ही जाएंगे डिपार्टमेंट में, तो आप उसमें कौन सा डिपार्टमेंट चूज करोगे मैं आपको बताता हूँ। उसमें डिपार्टमेंट आप चूज करना, प्रोडक्शन चूज करना, ये बड़ा अच्छा डिपार्टमेंट है होम अप्लायंसेस में। अगर आपको मौका मिलता है R&D चूज कर सकते हो, ये अच्छा डिपार्टमेंट है, एक क्वालिटी डिपार्टमेंट, शानदार डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। मेंटेनेंस इतना कुछ खास होता नहीं, बट होता है मशीन के लिए, बट वो डिपार्टमेंट अच्छा है, डिमांडिंग है, बट लोग पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वह मशीन में काम करना, फिर वो गंदगी वो पसंद नहीं होता है। बट अगर आपको मशीन के साथ खेलना पसंद है, तो सबसे बढ़िया डिपार्टमेंट होता है मेंटेनेंस, बिकॉज इसका नीड मार्केट में बहुत ज़्यादा है। अच्छा बंदा मिलता नहीं यार, बड़े बड़े कंपनीज वाले स्ट्रगल करते हैं अच्छे बंदे को लाने के लिए इस फील्ड में, मुंह मंगा पैसे देते हैं। बिकॉज अगर वो अच्छा बंदा नहीं है तो आपका कंपनी चलेगा नहीं, बिकॉज कोई भी कंपनी हो उसका सिस्टम ब्रेकडाउन तो होगा, तो ठीक कौन करेगा, मेंटेनेंस वाला ठीक करेगा, समझ रहे हो। अच्छा तो इसमें आप जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पावर सिस्टम, ये तो भाई बहुत बढ़िया फील्ड है, इसमें कोई भी डिपार्टमेंट में जाओ इसमें काफ़ी अच्छा ऑर्डर्स आते हैं, जो कंपनीज़ हैं अच्छे खासे और मुनाफा कमाते हैं, तो कोई भी इसमें एंटर करता है अच्छा पैसा कमाया किसी भी डिपार्टमेंट में। नेक्स्ट हम बात करें एनर्जी सेक्टर, इसमें सबसे ज़्यादा पैसा कमाएगा R&D वाला, इसमें एनर्जी सेक्टर में, और बाकी पैसे कमाएंगे ठीक ठाक। और नेक्स्ट सेक्टर की बात करेंगे ऑटोमेशन, ये वन ऑफ द मोस्ट एमर्जिंग तो नहीं बोलूंगा, पिछले 10 साल से ठीक ठाक तरीके से अडॉप्ट किया जा रहा है मार्केट में, बट ये डिमांडिंग सेक्टर जरूर बोलूंगा, काफ़ी अच्छा डिमांडिंग सेक्टर, इसका डिमांड काफ़ी अच्छा है मार्केट में। तो जो भी बंदा इस फील्ड में एंटर करना चाहता है कर सकता है, PLC SCADA के जरिए, PLC SCADA सीख लो, एंटर होने में ईजी हो जाएगा। और अगर आप बाहर से कोई कोर्स करते हो ना, छोटा मोटा कोर्स, स्मॉल कोर्स करते हो, तो देखना उसमें प्लेसमेंट सपोर्ट थोड़ा सा मिल जाना चाहिए। प्लेसमेंट अगर सपोर्ट नहीं मिलता आपको, तो आपको दिक्कत आता है, जो मैंने अब तक देखा है, समझ रहे हो। अच्छा यहाँ पर और एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा, अगर आप M.Tech करना जाते हो या फिर आपको मौका मिल रहा है, एक बहुत बढ़िया और एक फील्ड है माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, ये बहुत अच्छा फील्ड है भाई, इसमें जा सकते हो, ये काफ़ी अच्छा फील्ड है, ये आपके फ्यूचर को ऐसे ग्राफ देगा। इसके पीछे दो रीज़न है, आजकल जो भी सिस्टम आ रहा है पावर बेस्ड, एनर्जी बेस्ड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेस्ड टू बी प्रसाइज, उसमें दो चीज़ें कम्बिनेशन है, इलेक्ट्रिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसा फील्ड है जिसमें ग्रोथ का कोई लिमिट नहीं फिलहाल, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न क्या है आपका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारा प्यारा भारत, बहुत पैसा, बहुत इंटरेस्ट ले रही है इस फील्ड में, एक एमर्जिंग फील्ड बनने के लिए, पूरा वर्ल्ड को सप्लाई करने के लिए। तो जब गवर्नमेंट किसी कंट्री का इंटरेस्ट ले किसी फील्ड में ना, उस फील्ड में घुस जाते हो आप, तो आप कोई फील्ड में हो, आप जॉब में हो, आप बिजनेस में हो, तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो ये था पूरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मोस्ट एमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए। और EV में अगर M.Tech करना है, लिंक है डिस्क्रिप्शन, चाहिए अप्लाई करिए, और कोई भी डाउट है जो भी है पूछो, नेक्स्ट पेज स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट कर सकते हैं आप। थैंक यू वेरी मच, लाइक कर दो वीडियो को, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिएगा, और जरूर वीडियो को शेयर करिए दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।